हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। सबसे पहले तो मैं डेट बता दूं यार, आज है 28 तारीख और अभी मैं जीरकपुर में हूँ। आई नो लास्ट व्लॉग की तरह मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा पता ही नहीं लगता कब मैं कहाँ होती हूँ, है ना। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं शिमला सोलन में थी और अभी सडनली एकदम से जीरकपुर से व्लॉग बना रही हूँ, तो उसके बाद मैं जीरकपुर आ गई थी। एक हफ्ता हो गया मुझे आके एंड अभी मैं जा रही हूँ वापस सोलन। वो सोलन जाने के पीछे मेरा मेन पॉइंट ये है कि मुझे सुबह निकलना है किन्नौर के लिए। यस, मैं सुबह जा रही हूँ घर। फाइनली आप लोगों को वो व्लॉग्स देखने लग जाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को वादियां दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको घर दिखाऊंगी, गांव दिखाऊंगी, विलेज लाइफ दिखाऊंगी। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे घर जाके। देन उसके बाद मुझे एक दो दिन शादी अटेंड करनी है किन्नौर में, तो किन्नौर की शादी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में। इसके अलावा मैं आप लोगों को सब अभी बताऊं क्या? नहीं, अभी चलो जाते हैं, सोलन के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। बाकी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। लेट्स गो गाइज। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी मुझे याद आया सलोनी की, याद मैंने थ्रेडिंग नहीं करा है। तो सबसे पहले तो सलोन जाऊँगी, थोड़े से थ्रेडिंग व्रेडिंग करा लेती हूँ एंड देन निकलते आगे। चलो ओके। सलोन से टचअप लेने के बाद मैंने कैब बुला दिया। ओल्ड पंचकुला के लिए मुझे कैब छोड़ने आ गई थी, लेकिन मैंने कैब वाले से थोड़ी बहुत डांट सुन ली है बिकॉज मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ कैब वाले से थोड़ी सी डांट सुनने के बाद मैं अपना भूरिया बिस्तरा चक के बैठ गई कैब पे और हम निकल पड़े आगे की ओर। और मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि ओ, आईलाइनर मिट चुका है, टीका मिट चुका है। तो मैं कैब में ही बैठ के जो है अपना मेकअप टचअप करने लग गई। यार ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है गाइस, चलती गाड़ी में आईलाइनर लगाना। बट थैंक्स कि मेरा आईलाइनर वाइट कलर का है, तो इससे इतना पता नहीं चल रहा था। अगर मैं एक में बढ़िया एक में घटिया भी लगा दूँ ना, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एनीवेज यहाँ बहुत बकवास मान ली, मेकअप भी हो गया। अब सीधा निकलते हैं आगे और पंचकूला से टैक्सी वैक्सी ले लेते हैं, बस देख लेते हैं। चलो टैक्सी वाले से थोड़ा बहुत तोल मोल भाव चाव करते करते फिलहाल टैक्सी मिल गई और मैं अब बैठ रही हूँ टैक्सी में। अभी गाने क्यों बजा दिए? ओके गाइस एक सेकेंड। शक्ल के ना 12 बज चुके हैं, भाई गॉड कितनी काली हो गई हूँ मैं, और इसमें तो पता नहीं अजीब सी दिख रही हूँ। एनीवेज यहाँ मुझे टैक्सी मिल गई है और ये शिमला जा रही है टैक्सी, तो मुझे सोलन तक छोड़ देंगे। और तुमको पता है ये वही टैक्सी जिसमें मैंने लास्ट टू लास्ट बार जब मैं सोलन जा रही थी तो मैं तुमको बताया था ना, मैं एक टैक्सी में आई थी, देन वो टैक्सी वाले ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे सोलन पहुँच के। तो ये वही भैया निकले, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया और अभी ये एक दो सवारी का वेट कर रहे हैं, फिर वो मिलते हैं तो फिर हम आगे की ओर निकलते हैं। लेट्स गो। ये बढ़िया रहा, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, बाकी पैसेंजर्स भी आ गए और अब हम निकल पड़े हिमाचल की ओर। ये देखो हिमाचल के पहाड़, और थोड़ा बहुत नज़ारों का आनंद लो यार, मिलते हैं आगे। मैं तो भूल ही गई थी कि क्या नज़ारों के आनंद लोगे, रोड के हाल ख़राब हो चुके हिमाचल के, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई है ना इन बारिशों के दौरान में। ये देखो सामने पूरे रास्ते चक्की मोड़ हो गया, चाहे परमाणु वाला हो गया, चाहे धर्मपुर वाला, सभी जगह ऐसे पत्थर ही पत्थर गिरे। सो गाइज़ अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो बी सेफ़ और देख कर जाना। रात को तो ट्रैवल मत करना, शाम के टाइम या दिन को ऐसे करो, बट उस पर भी देख कर जाओ कि पत्थर वत्थर ना आए आगे से। देखो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई है। एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि अभी ट्रैवल करो ही मत, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तब ही आना। ये देखो रास्तों के क्या हाल है, अभी तो ठीक करने में लगे हुए रोड, तो कुछ टाइम यार रुक जाओ। Few moments later. Okay, दोस्तों अभी हम धर्मपुर के आसपास पहुँचे और हमारी गाड़ी रुकी है जी कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। ड्राइवर साहब हमारे चाय पीने गए हैं और मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, मेरा ना मूड कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे। चलो कुछ खा ही लेते हैं। ठीक है जी, इसको उठा देते हैं सबसे पहले। थैंक यू। बहुत जोर से भूख लगी थी, कुछ खा लेते हैं। यार मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है क्योंकि पूरी गाड़ी में सन्नाटा है और तीन लोग पीछे बैठे और मैं ऐसे कर करते हुए चिप्स खा रही हूँ। कितना अजीब सा साउंड कर रहा होगा इन लोगों को। Extremely annoying shift later. अंधेरा कायम रहे दोस्तों, पहुँच गए हम सोलन। ये लो जी मशरूम चौक भी पहुँच गए। अब फटाफट से यहाँ पे उतरती हूँ और मुझे जाना है मॉल रोड। लीजिए चलते हैं अब मॉल रोड की ओर और देखो सामने का नज़ारा। आए हाय अपना मॉल रोड। अच्छा ठीक है, बहुत सारे काम है यार, हमको गिफ्ट्स लेने हैं, बहुत सारा काम करना है। चलो 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 चलो। क्या वैसे ये सेम ये वाले? हाँ जी। नहीं नहीं ऐसे कांच की बॉटल टूट जाती है, बच्चे नहीं टूटेंगे। अच्छा बुद्धा में वो नहीं है आपके पास मूर्ति टाइप कुछ? हाँ दिखाना वो। अच्छा यहाँ टूट ना जाए पर।
बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे एक गिफ्ट पसंद आया और वो है ये वाला। अरे दोस्तों, राखी आने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो आई गई हूँ तो एक आध राखी यहाँ से भी ले ही लेते हैं। मम्मी ने स्लीपर्स मंगाए थे, वो भी ले लिए। ओके, अब हम बैठ गए ऑटो पे और चले निकलते अपने यहाँ के रूम की ओर। बाय बाय गाइज। मैं ये बैग तो ले आई लेकिन फ्रेम वाला बैग मैं शॉप पर ही भूल गई, क्लोल कर दिया मैंने। अब इसको कहाँ दूँ मैं, मेरा पता नहीं क्या होगा। सारे काम पुट्ठे करती हूँ मैं हमेशा। वो जो गिफ्ट लिया था मैंने, वो मैं ऊपर ही भूल गई शॉप पे एक भैया के। थैंक गॉड वो भैया जानने वाले थे तो मैंने उनको कॉल कर दिया और वो लेकर नीचे न्यू बस स्टैंड तक आ रहे हैं। इवन मैं ऑटो में पहुंच भी गई थी नेहा के रूम तक और अब मुझे वापस जा रही हूँ मैं पैदल पैदल। सामान मैंने वहाँ पर रखा दिया एक शॉप पर, नेहा आकर ले लेगी बैग जो था मेरा बड़ा। और अब मैं वापस जा रही हूँ वो भैया से फ्रेम लेने। मिल गया, थैंक गॉड। मेरी मम्मा ना ठीक बोलते हैं मैं बहुत लापरवाह हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड ये आज साबित होता है तुम लोगों के सामने कैसे मैं सामान वहाँ पे छोड़ के आ गई। वो तो थैंक गॉड भैया जानने वाले थे, वो बेचारे यार ऊपर से मॉल रोड से न्यू बस स्टैंड तक पैदल आए ये लेके मेरे लिए। अभी जाती हूँ आगे, बैग भी है, बैग लेके जाती हूँ। और मेरे को बहुत नींद भी आ रही है यार, सुबह मेरे को टाइम से 5 बजे निकलना भी है। कहाँ निकलना है पता है ना आप लोग को? किन्नौर भैया, इतने ज़्यादा हो गया था काम, थैंक यू सो मच। मैंने बेचारी नेहा को ऊपर से नीचे बुला दिया था कि बैग नीचे रखा हुआ है आके ले ले, और उससे पहले मैं ही पहुंच गई। दौड़ते हुए बेचारी नीचे आ गई, अभी वो शॉप गई है, फिर मैं यहाँ वेट कर रही हूँ उसका और फिर हम दोनों भी साथ जाएंगे। हरे भगवान, थक गई। पहुंच गई दोस्तों रूम और अभी ये टाइम हो रहा है 8:30। और फिलहाल तो यही था आज के ब्लॉग में, बाकी कल मिलते हैं। कल का सफ़र कैसा रहता है हमारा किन्नौर वाला देखते हैं, बताती हूँ, कल अपडेट्स देती हूँ। चलो, अच्छा हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।